परासिया के इकलहरा हिंदू उत्सव समिति व जिला पंचायत सदस्य ने ग्राम पंचायत के सरपंच पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। लोग सरपंच की अवैध वसूली से परेशान हैं। हिंदू उत्सव समिति व जिला पंचायत सदस्य ने परासिया जनपद के इकलहरा ग्राम पंचायत के सरपंच पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। हिंदू उत्सव समिति के लोगों ने बताया कि रामनवमी के पर्व पर अवैध वसूली करने का तरीका सरपंच ने अपने लेटर पैड से वसूली कर आरंभ कर दिया है, जिससे हिंदू धर्म बदनाम होता है और लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुँच रही है। हिंदू उत्सव समिति ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर सरपंच पर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत इकलहरा के जो सचिव है वो अपनी पंचायत के लेटर पैड पर टोल प्लाजा, अंग्रेजी शराब दुकान और अन्य ऐसे स्थानों पर पेट्रोल पंप में जो है लिखित में चंदा मांग रहे हैं, जो कि अनुचित है। इससे ये क्षेत्र चूंकि मेरे जिला पंचायत के अंतर्गत आता है और इसके पूर्व भी इनके इकलहरा सरपंच सचिव के खिलाफ अनियमितताओं के मेरे द्वारा बहुत शिकायतें की गई हैं। जिला पंचायत सीईओ को दो दो बार पत्र लिखे गए हैं, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये IPC की धारा 384 एक्सटॉर्शन के अंतर्गत आता है। यदि कोई चंदा नहीं देता है लिखित में तो उसको एक प्रत्यक्ष धमकी है और इस सरपंच सचिव खिलाफ धारा 384 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।